चंदौली में यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। जनपद में आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। जिले में कुल 100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 68,489 विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर वॉइसयुक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 16 फरवरी से मार्च 4 तक बोर्ड परीक्षाएँ चलेंगी। सभी परीक्षाएं केंद्रों पर फोर्स तैनात कर दी गई है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। बोर्ड एग्जाम्स 16 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगे और उसके लिए जनपद में पूरी तैयारी कर ली गई है। सारे सेंटर्स जो हैं उसमें सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा दी गई है। सीसीटीवी कैमरा इस बार लगे हैं वॉइस रिकॉर्डिंग युक्त, तो वो सारे सीसीटीवी कैमराज वगैरह इन प्लेस हो गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति हो चुकी है। सारी जो फोर्स है उसकी तैनाती हो गई है। कल से एग्जाम शुरू है, उसके लिए जनपद में पूरी तरह से तैयारी होता है हर बार। तो ये सारी जितनी कार्रवाई है और सारा जितना प्रोसेस है, प्रोसीजर है, सब नकल विहीन और शांतिपूर्वक वो परीक्षा उसी के लिए है। और कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो परीक्षा की गोपनीयता भंग ना करे, उसके लिए पूरी तरह से तैयारी है। जितने प्रोसीजर सेट है, डबल केस में रखना है, डबल लॉकर में रखना है, सारी चीजें मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में खुलेंगे पेपर्स, तो वो सारी प्रोसेस पूरा सेट है और पूरी तरह से नकलविहीन परीक्षा कराने की तैयारी जनपद में है।